नमस्कार दोस्तों, होली का त्योहार आने वाला है तो आज मैं आपको होली स्पेशल गुजिया बनाना बताऊंगी, वो भी मावे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना गुजिया बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, गैस पे मैंने एक पैन ले लिया है। अब इसमें मैं लगभग 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालूंगी यहाँ पर। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे सूजी लिया है। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। और जब आप ये सूजी भूने तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी गैस की फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम हो, ज्यादा हाई नहीं हो, नहीं तो सूजी जो हमारी जल जाएगी और गुजिया में फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। क्या बात है। तो यहाँ पर गाइज मैं सूजी भी डाल रही हूँ मावा में। आप चाहें तो खाली मावा या खाली सूजी का भी जो है गुजिया बना सकते हैं सेम मेथड से। यहाँ पर खाली अगर आप सूजी का बना रहे हैं तो सूजी की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें और उसको अच्छे से इसी तरीके से भून लें। और अगर प्योर मावा का बनाना चाहते हैं तो सूजी को आप अवॉइड कर दें, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें सूजी मिलाती हूँ जिससे ना गुजिया का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आप सूजी नहीं डालना चाहें तो आप यहाँ पर आटा या मैदा को भी भूनकर मावे में मिक्स करके गुजिया बना सकते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो ये देखिए गाइस, हमारी सूजी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में खिला लेती हूँ। गैस की फ्लेम को यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया है। सूजी में से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई और ये देखिए इसका रंग भी नहीं बदला और हमारी सूजी भी भूनकर रेडी हो गई है। अब ये सूजी जब तक हमारी ठंडी हो रही है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने बादाम, काजू, चिरौंजी और किशमिश और नारियल को अच्छे से घिया कस कर लिया। अगर आपके पास नारियल घिया कस नहीं कर सकते हैं तो आप जो मार्केट में रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी यहाँ पर उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अभी इसी में मैं जो है अपना एक साइड में सूजी खला ले रही हूँ। इसी पैन में मैं फिर से थोड़ा सा घी डालूंगी और यहाँ पर ये देखिए मैंने इस बार जो है रेडीमेड मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अमूल का खोवा लिया है मैंने 200 ग्राम। इसको भी मैं इसमें हल्के से भून लेती हूँ। ये गाइस मैं फर्स्ट टाइम जो है मार्केट का मावा इस्तेमाल करके बना रही हूँ। नहीं तो अधिकतर मैं जो है अपने घर के मावे का ही यहाँ फेवर करती हूँ त्योहारों पे अधिकतर, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं और फिर इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग भी इसके इससे बना सकते हैं, अमूल के मावे से गुजिया बना सकते हैं। तो इसे भी हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे जिससे कि हमारे जो मावा हमने गुजिया बनाएंगे उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप मावे की गुजिया बनाए तो मावे को जरूर थोड़ा सा भून लें, स्पेशली जब आपका मावा मार्केट का रेडीमेड हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और घर में भी आप इजीली कैसे इंस्टेंट मावा बनाएं इसकी भी मैंने जो है रेसिपी डाल रखी है, वीडियो डाल रखी है। तो आपको मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लें और आप उसी तरीके से मावा बना के गुजिया बनाएं तो ज्यादा बेटर है त्योहारों पे। ये देखिए हमारा, लेकिन एक जो मावा मेरे को अभी तो अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखिए भूनने पे कितना घी छोड़ रहा है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन भून लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा मावा भी भूनकर रेडी हो गया है। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को देखिए स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन इसे मैं भी थोड़ा देर तक और भून रही हूँ, चला रही हूँ ताकि हमारा जो मावा है वो पैन में नहीं लगे, क्योंकि पैन हमारा अभी बहुत गर्म है। अब हमारा ये मावा भी रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपनी मैदा लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए इसी पैन में मैं जो मावा था उसी में मैं सूजी और ड्राई फ्रूट सब मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ गाइस मैंने ड्राई फ्रूट थोड़े ज्यादा लिए, आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप नहीं खाते उसको स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो चीज इसमें मिक्स कर लें आप ड्राई फ्रूट्स जो है। तो ये देखिए मैंने इसमें इसलिए मिक्स कर लिया कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी थोड़ा सा इसमें मावे के साथ भुन जाएंगे। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा जब तक हम अपना मैदे का डो लगाकर तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें हम जो है जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें बूरा मिलाएंगे। तो अब हम इसका डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए लगभग 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। अब आप ये जरूर ध्यान रखिए, आपने जितना मैदा लिया है उसका 1/4 जो है हम इसमें मोइन डालते हैं। जैसे मैंने 1.5 कप लिया है तो मैं लगभग यहाँ पर 1/4 कप जो है इसमें घी मिलाऊंगी। यहाँ मैं प्योर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर तेल या डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका जो मोइन का अंदाजा गलत पड़ रहा है तो इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप किस तरीके से चेक करें, जब आप अच्छे से मैदे में ये मिला लें मोइन, तो आप उसको इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखिएगा। अगर आपका इस तरीके से मुट्ठी बांधने पर लड्डू बन रहा है, इसका मतलब आपका जो मोइन है मैदा में बिल्कुल सही है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब बस इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, सिर्फ 1 पिंच नमक डालेंगे गाइस। ये हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई मीठी चीज बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक जरूर डालें, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा निखर के आता है। ये देखिए, जब भी आप मीठी चीज बना रहे हो तो उसमें नमक जरूर डालें गाइस, क्योंकि इससे जो है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे। यहाँ ये याद रखिए हम जो पानी लिए हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, गर्म नहीं लेंगे यहाँ पे पानी हम। और पानी अब थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें मिक्स करें। मैदा हम लगाएंगे गाइस वो ना तो ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसा हम पूरी का लगाते हैं आटा वैसे ही हमें ये मैदा लगाकर बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब मैं इसे लगभग 10 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट करने के लिए, जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपना जो इसकी फीलिंग्स है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारा जो फीलिंग हमने तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बूरा मिला लेती हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर बूरा अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं या गुड़ डालना चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, और मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। मेरे यहाँ थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो मैं थोड़ा कम मीठा डालूंगी इसमें। तो ये देखिए लगभग मैंने जो है इसमें 1/4 कप बूरा मिक्स किया है। तो ये देखिए हमारा फिलिंग भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, हमारा मैदा भी हमने रेस्ट कर लिया है। अब हम इसको तोड़ लेंगे, आपको जितना बड़ा गुजिया बनाना हो आप उतनी बड़ी लोई तोड़ लें इसका। तो यहाँ पर हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे जिससे हम अपने गुजिया को चिपकाएंगे। तो ये देखिए अब मैं यहाँ बेल लेती हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले हाथ से बनाना बता रही हूँ। लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें अपना जो फीलिंग है वो रख लिया है। अब ये देखिए इधर में हमने पानी लगा लिया इस तरीके से, अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से उंगलियों से प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से हम दबा लेंगे। ये देखिए अब हम इसे इस तरीके से देखिए हाथ से बना लेंगे, जैसे फोल्ड करेंगे फिर दबा देंगे फिर फोल्ड करेंगे फिर दबा देंगे इस तरीके से हम इसे। मैं नहीं मानता। ये देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछाया है जिसके अंदर मैं इस गुजिया को रख दूंगी। हम इसलिए इसको इसमें रखते हैं ताकि ये जो है गुजिया का जो ऊपर का परत है वो हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट रहे, तो तलने के टाइम नहीं तो ये फट जाएगी। और यहाँ ये आप ध्यान रखिएगा पूड़ी ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने कितनी पतली पूड़ी बनाई है, जितना पतला आपका परत होगा पूड़ी का उतना ही अच्छा आपका गुजिया बनेगा। इसमें फिर हम जो है अपनी फीलिंग भर ले रहे हैं। तो देखिए अब ये सांचा है, सांचे के लिए जो हम बनाएंगे उसके लिए थोड़ी सी बड़ी पूड़ी बेल लें और इस तरीके से दबा देंगे इसे। अब ये देखिए इसमें हम मसाला भर लेते हैं अपना। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने चारों ओर पानी लगा लिया है और जो ये फीलिंग्स भरी है वो आप अपने अनुसार भर लें उसको। अब ये देखिए इस तरीके से इसको हम प्रेस करते हुए दबा देंगे अच्छे से और फिर जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए हमारा इस तरीके से बनके बिल्कुल रेडी हो गया गुजिया। अब इसे भी हम इसमें रख लेते हैं अंदर। अब गाइस इस तरीके से मैं अपनी सारी गुजिया बना लेती हूँ और फिर मैं आपको तलूंगी तब दिखाऊंगी कि हमारी गुजिया बनके बिल्कुल रेडी कैसे हुई है। जो है हम अपनी गुजिया को निकाल लेंगे जो ढक के रखे थे हम, और इसे अब हम सेक लेंगे। जब आप गुजिया डालते हैं गाइस तो आपकी गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए, उसके बाद जो है आप इसको मीडियम टू लो गैस कर दें जिससे आपकी जो गुजिया है वो बहुत ही करारी सिकेगी। अगर तेज आंच होगा तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। असंभव असंभव।
हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। जब गुजिया डालें तो इस तरीके से इसको उल्टा करके डालें ताकि जो हमारे किनारी हमने बनाया हाथ से वो थोड़ा मोटा होता है तो वो अच्छे से इसमें सिक जाए। तो देखिए हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो इस बार मैं जो आपको मावे से गुजिया बनाना बताई हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बूंदी की गुजिया भी बनाना बताऊं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे तो मैं आपको बूंदी की गुजिया भी बनाना बताऊंगी। आज मैंने इसे हाथ से बनाया, सांचे का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरा सांचा टूट गया तो मैं वो वीडियो आपको नहीं बना के दिखा पाई हूँ। तो अगले बार जो मैं आपको गुजिया की वीडियो बनाऊंगी वो सांचे से ही बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ हमारी गुजिया कितनी फर्स्ट क्लास बनी है। ये देखिए अंदर से भी कितनी बढ़िया बनी है और बहुत ही क्रिस्पी है ये देखिए, और कितना अंदर तक देखिए रस भी है इसमें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो एक बार आप भी इस तरीके से गुजिया बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी गुजिया कैसे बनकर रेडी हुई है। और अगर आपको मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी गुजिया कैसी बनी है। तो इस बार होली में आप भी गुजिया बनाइए, खाइए और अपने पड़ोसियों को भी खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी गुजिया कैसे बनकर रेडी हुई है। थैंक यू।